हेलो दोस्तों, टेली आरपी 9 में आपका स्वागत है। टेली आरपी 9 में आज हम आपको बताएंगे कि परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री कैसे करते हैं। परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं। तो परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे हम किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं और जो माल खरीद रहे हैं उस माल की GST 0% है, और जो पार्टी है हमारी, जैसे कि मान लो हमारी पार्टी दिल्ली में है और हम जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं वो भी पार्टी दिल्ली में है, तो उसी पार्टी से माल खरीदेंगे तब जाके हम उसको परचेज एग्जेम्प्टेड में एंट्री करेंगे। अगर किसी अदर स्टेट से ख़रीदेंगे और उसकी GST 0% है तो परचेज एग्जेम्प्टेड में उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। तो हम जो पार्टी से माल खरीद रहे हैं वो पार्टी हमारे मतलब सेम स्टेट में है और उसकी GST 0% है, तब जाके हम उसकी एंट्री किस में करेंगे, परचेज एग्जेम्प्टेड में। तो चलो हम देखते हैं परचेज एग्जेम्प्टेड में एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे इनवाइस नंबर ले लेते हैं, जो भी होगा हमारा इनवाइस नंबर हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे इनवाइस नंबर आप टाइप कर लो और डेट यहाँ पे प्रेस सेलेक्ट कर लो, जो भी डेट हो, और आप यहाँ पे पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लो। तो पार्टी का नाम जैसे मान लो यहाँ पे रोहन गारमेंट्स है, तो यहाँ पे रोहन गारमेंट्स करने के लिए यहाँ पे RO प्रेस करो। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखते हैं ध्यान से यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं दिख रहा है, सिर्फ कैश का लेजर यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें कैश का लेजर नहीं बनाना चाहिए, हमें जो है पार्टी का नाम क्रिएट करना है। तो हमें पार्टी का नाम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर Alt+C कर देना है। Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे रोहन गारमेंट्स कर देंगे और इंटर करेंगे। जब हम किसी पार्टी का नाम क्रिएट करते हैं तो पार्टी किसके अंडर में आता है, जब हम किसी पार्टी से माल खरीद रहे हो तो उस पार्टी का लेजर जब हम क्रिएट करते हैं तो वो पार्टी जो होता है सेंड्री क्रेडिटर्स में आता है। सेंड्री क्रेडिटर्स में यहाँ पे आएगा क्योंकि वो सेंड्री क्रेडिटर्स जो होता है लेनदार होता है, तो लेनदार की हमेशा एंट्री हम सेंड्री क्रेडिटर्स में करेंगे। तो यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना, इंटर करना, आगे बढ़ते चले जाना। अब वो जो पार्टी है उस पार्टी का एड्रेस क्या है, उस पार्टी का एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। तो पार्टी का एड्रेस जो भी होगा यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं रजोत्री यहाँ पे इंटर करो, पिन कोड डालो जो भी हो यहाँ पे ये, और इंटर करो। यहाँ से इस तरह से आप इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप पार्टी का नाम क्रिएट कर लिए हैं, ये देखो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले से क्रिएट है, तो लेजर अगर आपको नहीं क्रिएट करना आता तो यहाँ पे Alt+C करना और यहाँ पे आप टाइप कर लेना परचेज एग्जेम्प्टेड करने के बाद आप जो है यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो है आपका आएगा परचेज एग्जेम्प्टेड जो है परचेज अकाउंट में। यहाँ पे परचेज अकाउंट कर दो, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लो और यहाँ से इंटर करो। इस तरह से आपका परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब आप पार्टी का नाम क्रिएट कर लिए और परचेज लेजर क्रिएट कर लिए, अब आपको जो है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करना है। तो आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे लोवर ख़रीद रहे हो, तो लोवर का नाम यहाँ पे यानी कि लोवर टाइप कर रहे हो। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक में देखेंगे तो कोई ऐसा लोवर नाम का कोई भी ऐसा नहीं है प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे शो करे, तो आपको जो है फिर से लोवर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लोवर का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से आपको Alt+C प्रेस करना है। Alt+C प्रेस करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको Alt+C करना है और यहाँ पे लोअर टाइप करना है, लोअर टाइप कर दो। अब लोअर लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, या XL है, XXL है, जो भी है यहाँ पे आपको वो चीज़ टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मीडियम है, लोअर मीडियम ले रहे हैं, इंटर। और आपको अंडर में कुछ नहीं करना, यहाँ पे यूनिट में आ जाओ, यूनिट में आप पीस को सेलेक्ट कर लो। अगर आप पीस को सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, क्रिएट मान लो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए भी आपको Alt+C करना है और यहाँ पे PCS लिखना है, और यहाँ पे आपको फॉर्मल नेम में जो है आपको यहाँ पे आपको पूरा नाम डाल देना है PICES यहाँ पे। फिर उसके बाद बाहर हो लो यहाँ से, थोड़ा एग्जिट हो जाइए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो PCS को, इंटर करो।
इंटर करो, इंटर करो, आपका यहाँ पे लोअर का देखिए लोअर आ गया। आप कितने पीस खरीदे थे, मान लो यहाँ पे 14 पीस हमने ख़रीदा है, एक पीस का रेट कितना है 350 रुपये। यहाँ पर इंटर करिए, इंटर करिए, इस तरह से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। मान लो आप कोई दूसरा आइटम लिए, उस आइटम का नाम यहाँ पे डालना है। अब आप यहाँ पे मान लो शर्ट लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, अल्ट सी करो, इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शर्ट टाइप करो, शर्ट के यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मीडियम शर्ट भी है, तो यहाँ मीडियम कर दो, इंटर करो, इंटर करो, और यहाँ पे आ जाओ, ये भी पीस में आएगा, पीस को सेलेक्ट करो, इंटर करो, इंटर करो, और यहाँ पे कितना पीस लिए उतना टाइप करिए यहाँ पे, और रेट इसका टाइप कर दो। तो यहाँ पे इस तरह से हमने शर्ट की भी एंट्री कर दिया। तो ये तो हो गया आपका परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब, परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री हो चुकी है। अब आपको हम अगले चैप्टर में बताएंगे परचेज जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे।